तो वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जवाहर कैंप कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया से जुग्गी सम्मान यात्रा शुरू की, जिसका शुभारंभ प्रदेश प्रभारी विश्वंत जय पांडा ने किया। और आदेश गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री देश के हर वर्ग, चाहे वो जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या फिर रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला हो, सबकी चिंता करते हैं। इन्हीं को देखते हुए अनेक योजनाएं, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वनिधि योजना हो, जिसके तहत रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है ताकि वो स्वावलंबी बन सके। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सहित कई बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए। 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वो 33 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित जुग्गी बस्तियों में पहुंचकर जनसंवाद करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लोगों को गैस कनेक्शन और ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान जुग्गियों में रहने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए के इलाज के लिए मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। क्या दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले लोग, जो दिल्ली में महल बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, क्या उनको सही जीवन स्तर का अधिकार नहीं है? क्या उनको मूलभूत सुविधा मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छी सड़क हो, अच्छी नाली हो, अच्छा मकान हो, सीवर की सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो, इसका अधिकार नहीं है? तो इस अधिकार को दिलाने के लिए आज झुग्गी सम्मान यात्रा है और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता का संकल्प। आदेश जी ने आपको बताया और जो 4 योजना को लेकर आज हम यहाँ यात्रा कर रहे हैं, ये खास करके झुग्गी में रहने वाले नागरिकों के लिए है और खास करके महिलाओं के लिए है। आप अगर देखोगे, उज्ज्वला योजना हो या सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो या झुग्गी में खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।